असलामुअलैकुम। आज मैं आपको मेथी की रोटी बनाना सिखाऊंगी। मेथी की रोटी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम मेथी को तैयार कर लेंगे। हम मेथी को तैयार कैसे करेंगे? हम पत्ते अलहदा कर लेंगे यूं, और डंडियां अलहदा कर देंगे। ये हमने मीडियम साइज की मेथी की गुच्छी ली है। अगर आपके पास मेथी की गुच्छी बहुत बड़ी है तो आप 3/4 मेथी की गुच्छी लेंगे। ये हमने मेथी की गुच्छी तैयार कर ली है। ये देखें, हमने डंडियां उतार के अलहदा कर दी हैं और सिर्फ पत्ते लिए हैं। मेथी की एक दरमियानी गुच्छी में हम डालेंगे 32 सब्ज मिर्ची। मेथी के पत्तों को अच्छे से धो ले, सब्ज मिर्चों को भी अच्छे से धो ले। ये हमने मेथी के पत्तों को धो लिया है। अब हम मेथी का एक मिक्सचर बना लेंगे। हमने यहाँ मेथी के पत्ते ले लिए हैं जिनको हमने डंडियों से अलहदा कर लिया था, सब्ज मिर्चें ले ली हैं, और 1.5 टेबल स्पून साल्ट ले लिया है। साल्ट और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से लीजिए। अब हम ये सारी चीजें ब्लेंडर में डाल लेंगे। हमने सब कुछ ब्लेंडर में डाल लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर ब्लेंड करेंगे। पानी की क्वांटिटी हम उतनी रखेंगे जिसके साथ हमने आटा गूंदना है। हमने इसमें 3 कप पानी लिया है, 5 कप आटा ले लिया है। अब हम इसको इस मिक्सचर के साथ गूंद लेंगे। ये मिक्सचर उतना ही आटे में डालना है जितने की जरूरत। इस मिक्सचर को बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है। ये अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। हम इसी मटेरियल से पराठा भी बना सकते हैं और इसी मटेरियल से रोटी भी बना सकते हैं। हमारी मेथी की रोटी और मेथी का पराठा तैयार है। इसे आप मक्खन के साथ भी खा सकते हैं। ये हमने मक्खन लगा लिया है, या आप सूखी खा सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है, इसे दही के साथ खाएं, बहुत मजा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।